श्वेत प्रदर या प्रदर रोग। दो दो कैप्सूल प्रदरांतक को दिन में 3 बार मेवाड़ आयुर्वेदिक फार्मेसी की शक्ति जीवन के 2 बड़े चम्मच भरकर आधा कप पानी में मिलाकर दें। दो दो गोली चंद्र प्रभा वटी को भोजन के बाद दिन में 3 बार लेने से योनि मार्ग से सफेद चिपचिपा अंडे की सफेदी जैसा पदार्थ गिरे और उसकी वजह से योनि में खुजली हो, कमर और पैरों में दर्द और कमजोरी लगे तो ठीक करता है। योनि मार्ग से तरल पदार्थ निकालने से रोकता है और रोग को ठीक करता है। श्वेत प्रदरांतक और आरोग्य रक्षक के एक एक कैप्सूल भोजन के बाद दिन में 3 बार दूध या सुंदरी सुधा से लेने से श्वेत प्रदर, सारे शरीर में दर्द या कमर में दर्द रहना, खून की कमी, घबराहट, चेहरा फीका पड़ना, कुछ करने को दिल ना करना आदि समस्या दूर होती हैं। मासिक कष्ट। मासिक धर्म से पहले या मासिक धर्म के दौरान यदि बहुत दर्द हो तो रजो दोष हर वटी, रजा प्रवर्तिनी वटी और आरोग्य वर्धिनी वटी विशेष नंबर 1 की दो दो गोली सुबह शाम आधा कप जल में दो दो बड़े चम्मच दशमूलारिष्ट और कुमारी आसव मिलाकर भोजन के बाद ले। दशमूल का सूखा मिक्सचर 20 ग्राम लेकर 2 कप पानी में आधा रहने तक पकाकर ठंडा करके छाने। मासिक धर्म शुरू होने के 2-3 दिन पहले से सुबह खाली पेट पीना शुरू करें और मासिक धर्म खत्म होने तक जब तक ब्लीडिंग हो तब तक प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीते रहें। इससे मासिक असहनीय पीड़ा दूर होती है और गर्भाशय से इन्फेक्शन निकलकर उसके स्नायुओं को शक्ति मिलती है। मासिक धर्म का रुक जाना या कम होना। यदि मासिक धर्म के दौरान रक्त स्राव कम हो जाए या बंद हो जाए या रुक रुक कर आए या बिना गर्भ के अचानक रुक जाए तो नष्ट पुष्पांतक रस और कन्या लोहादी वटी दो दो गोली सुबह शाम पानी से लाभ होने तक दे। भोजन के बाद दिन में 3 बार आधा कप पानी में दो दो बड़े चम्मच अशोकारिष्ट, पतरांगासव और लोहाध्रासव मिलाकर 3 महीने तक सेवन कराने से समस्या दूर होती है। मासिक धर्म के दौरान बहुत रक्त स्राव होना। मासिक धर्म के दौरान बहुत रक्त स्राव हो तो चरक कंपनी की पोसेक्स दो दो गोली दिन में 3 बार भोजन के बाद आधा कप पानी में 1 छोटा चम्मच डाबर की अबलारी मिलाकर सेवन कराना लाभप्रद है। यह दवा केवल मासिक धर्म के रक्त स्राव के दौरान ही देनी है। खून गिरना बंद हो जाए तो दवा बंद कर दें। झंडू कंपनी की ओवोयू टोलिन 1 चम्मच दवा गर्म पानी से देने से लाभ होता है। खून की कमी। हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो 4-4 रत्ती मंडूर भस्म और तापियादी लौह को आंवले के मुरब्बे के साथ या द्राक्षावलेह के साथ दिन में 3 बार भोजन के बाद खिलाने से और उसके बाद आधा कप जल में 2 बड़े चम्मच लोहा सब पिलाने से भरपूर मात्रा में खून बनने लगता है। अनियमित मासिक। समय से पहले या बाद में मासिक धर्म होने की समस्या में 1 गोली लक्ष्मणा लोह और 2 गोली अशोल को सुबह शाम आधा कप पानी में 2-2 बड़े चम्मच अशोकारिष्ट, सुंदरी कल्प और दशमूलारिष्ट मिलाकर भोजन के बाद दें। गर्भावस्था का कमर दर्द। यदि गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के बाद कमर में दर्द रहने लगे तो सुपारी पाक, मूसली पाक और बादाम पाक का 1-1 बड़ा चम्मच दिन में 3 बार दूध से खिलाने से ताकत आती है और कमर दर्द ठीक होता है। गर्भपात। गर्भपात रस या व्री गर्भाचिंतामणि रस की 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ नियमित रूप से गर्भावस्था पर्यंत दें। भोजन के बाद 2-2 बड़े चम्मच सुंदरी सुधा, गर्भ जीवन और दशमूलारिष्ट को आधा कप पानी में मिलाकर सेवन कराने से गर्भ को पूर्णतया सुरक्षित रखने का अनुभूत योग है। गर्भावस्था की उल्टी। गर्भावस्था में उल्टी, कै और मिचली का अनुभव या परेशानी हो तो वमनांतक योग 1-1 ग्राम को गुलकंद में मिलाकर खिलाएं। सौंफ और पुदीना का अर्क मिलाकर दिन में कई बार दें। अनारदाना पाउडर खिलाने से गर्भावस्था की उल्टी बंद होती है।
गर्भावस्था में टांगों की ऐंठन, गर्भावस्था में टांगों की ऐंठन और दर्द हो जाए तो चरक कंपनी की दो दो गोली अल्सारेक्स को दूध या नींबू की शिकंजी के साथ दिन में 3 बार सेवन कराएं। गर्भावस्था में हाथ पैर और तलवों में जलन, दो दो चम्मच दिन में 3 बार सुंदरी कल्प पिलाना लाभप्रद है। 1 गिलास पानी में 2 बड़े चम्मच शरबत आंवला और शरबत उन्नाप मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से गर्भावस्था में हाथ पैर और तलवों में जलन हो तो दूर होती है। गोरा और स्वस्थ बेबी, बच्चा गोरा और स्वस्थ पैदा हो इसके लिए गर्भावस्था के 3रे महीने के शुरू से अंत तक कच्चे नारियल की गिरी खिलाने, दूध में केसर मिलाकर पिलाने, शतावरी और असगंध का 1-1 छोटा चम्मच चूर्ण दूध से सुबह शाम लेने, छिली बादाम की गिरी, सौंफ और मिश्री का पाउडर मक्खन मिलाकर सेवन करने और उस पर दूध से सेवन कराने से मनोकामना पूर्ण होती है। डिलीवरी के बाद पेट बढ़ना, डिलीवरी के बाद यदि पेट की मालिश करवाई जाए तो पेट वापस सही पोजीशन में आ जाता है। यदि डिलीवरी के 1 साल बाद भी पेट का मोटापा कम ना हो तो 2-2 गोली मेदो हरबटी दिन में 3 बार 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिलाएं। 1/2 छोटा चम्मच पुष्यानुक चूर्ण सादे जल से देने से डिलीवरी के बाद पेट बढ़ना ठीक करता है और पेट की बड़ी चर्बी को कम करता है। योनि की खुजली, वजाइना में खुजली हो तो अलार्सिन कंपनी की 2-2 मायरिन गोली दिन में 3 बार 1/2 कप पानी में 2 बड़े चम्मच महामंजिष्ठारिष्ट मिलाकर सेवन कराएं। नीम की पत्तियां उबालकर गुनगुने जल से योनि धोएं। दूध बढ़ाने का उपाय, डिलीवरी के बाद स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए 100 ग्राम शतावरी आदि चूर्ण, 10 ग्राम सफेद जीरा और 50 ग्राम जीवंती पाउडर मिलाकर रखें। 1-1 बड़ा चम्मच 3 बार दूध से खिलाएं। 1-1 स्पिरुलिना गोली सुबह शाम 1/2 कप पानी में 2 बड़े चम्मच दशमूलादिष्ट स्पेशल मिलाकर सेवन कराएं। फाइब्रॉइड्स या ट्यूमर, यदि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाएं तो वृद्धिवाधिका वटी, कैशोर गूगल और कांचनार गूगल की 2-2 गोली 1/2 कप पानी में 2-2 बड़े चम्मच महामंजिष्ठारिष्ट और पुनर्नवारिष्ट मिलाकर दिन में 3 बार देते रहने से लाभ होता है। मेनोपॉज, लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं के मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, लेकिन इसके दौरान दिल घबराना, थकावट रहना, वजन बढ़ना, पेट आगे निकलना, गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहना, गर्मी बहुत लगना, आवाज भारी होना आदि कोई भी समस्या आ सकती है। चरक कंपनी की 2-2 पोसेक्स गोली दिन में 3 बार पानी से लेने से मेनोपॉज की समस्त समस्याएं दूर होती हैं। झंडू की ओवरयूटोलिन 1 चम्मच दवा गर्म पानी से देने से मेनोपॉज के कारण होने वाले उपद्रवों में लाभ मिलता है। गर्भधारण करना व पांचपन का इलाज, 1-2 ग्राम मात्रा में त्रिवंग भस्म को 2 ग्राम मुक्ता पिष्टी और 10 ग्राम च्यवनप्राश में मिलाकर सुबह शाम खिलाने से गर्भधारण करने की शक्ति नष्ट होना, बार बार गर्भपात होना और गर्भाशय कमजोर होना आदि समस्या दूर करने में अति उत्तम है। स्तनों का अपूर्ण विकास, यदि स्तन छोटे हो, उनका विकास पूर्ण ना हो, उनमें ढीलापन आ जाए, उनमें उभार और कसाव ना हो तो असगंध, सिंघाड़ा, शतावर और एरंड का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर रखें। इस मिश्रण का 1-1 बड़ा चम्मच दूध से सुबह शाम सेवन करें। श्री पर्णी तेल की मालिश करें, भरपूर लाभ मिलेगा।